मीनाकारी एक फारसी कला है जो 17वीं शताब्दी के करीब बनारस शहर पहुंची। बनारस शहर की ये रीत है कि जो भी कला यहाँ आती है वो यहीं के रंग में बस जाती है। मीनाकारी शब्द जो है वो पर्शियन शब्द मीनू से बना है जिसका अर्थ होता है रंगों का संयोजन। मीना में भी कलर जैसे हरा है, नीला है और कत्थई है, फिरोजी है, धानी हरा, ये सारे कलर अलग अलग पारदर्शी कलर उसमें भरेंगे। फिर उसके बाद उस पर पेंटिंग जो होती है गुलाबी पेंटिंग, वो यहाँ की खासियत है, वो यहीं के लोगों ने डेवलप किया है। बनारस गुलाबी मीनाकारी के नाम से GIB 2013 में हुआ है। पहले सिल्वर शीट को लेते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ बनानी हो जैसे पेंडेंट बनाना हो तो पेंडेंट का शेप उसको डिजाइन करेंगे, ड्राइंग करेंगे पहले, फिर उस हिसाब से पेंडेंट को बनाएंगे अलग अलग उसका पार्ट करके। मीना के रंग एक खास प्रकार के कांच जैसे होते हैं। सबसे पहले हम ओखल में उसको बहुत बारीक पाउडर बनाते हैं, उसके बाद अनारदाना का गोंद बनाकर इसमें मिलाते हैं और इस कलर को पानी और ब्रश की सहायता से अपने क्राफ्ट पर भरते हैं। इसके बाद उसे फर्नेस में 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पकाया जाता है। यही कारण है कि मीनाकारी का काम कभी एक्सटर्नल एलिमेंट से कोरेट नहीं होता है। दूसरी जो पेंटिंग्स होती हैं वो समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन मीनाकारी की चमक सालों साल तक वैसे ही बरकरार रहती है। आज हमारे परिवार में 8 लोग मीनाकारी का काम करते हैं। हमारे परिवार के बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट है, वो भी स्केचिंग की प्रैक्टिस रोज ही करते हैं। हम चाहते हैं कि एट्सी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कला से परिचित हों, इसकी बारीकियों को समझें